में कई अफवाहें हमारे समाज में फैली हुई है। हस्त मैथुन के बारे में कम जानकारी होने के कारण और इस बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से बात ना करने के कारण लोग इस लत से कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैं यहाँ आपको हस्त मैथुन के वो नुकसान बता रहा हूँ जिनका लोग हस्त मैथुन के कारण सामना करते हैं। हस्त मैथुन का पहला नुकसान है शरीर का कमजोर हो जाना। इस दुनिया में सभी लोग इसलिए मेहनत करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें एक बेटर लाइफ मिल सके, वो अच्छा खाना खा सके, अच्छी लाइफ बिता सके। पर हस्त मैथुन करने से आप खुद की लाइफ को बेटर बनाने के बजाय और ज्यादा खराब बना देते हो। हस्त मैथुन करने से कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं बन सकती है। यह आपको बॉडी में कमजोरी देता है। आपने जरूर नोट किया होगा कि जब भी आप हस्त मैथुन कर लेते हो तो उसके बाद आपके अंदर की शक्ति कम हो जाती है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि सारी की सारी ताकत आपकी खत्म हो गई है और आप उस ताकत को पाने के लिए फिर से कुछ खाने पीने में ढूंढने में लग जाते हो। यह बात आप समझ लो कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो इस लत से आपको किनारा करना ही होगा, इस लत को आपको छोड़ना ही होगा। वरना एक समय ऐसा भी आएगा कि जब इस लत के कारण आपका अच्छा स्वास्थ्य जो है वो भी खो दोगे आप और आपके अंदर कमजोरी पैदा होने लगेगी, जिसका नुकसान होगा कि आपकी सेहत तो जाएगी जाएगी ही, इसके साथ ही आपके जो रिश्ते हैं, आपसे जुड़े हुए रिश्ते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। हस्त मैथुन का दूसरा नुकसान है खुद के प्रति गिलानी होना, लो कॉन्फिडेंस होना। जब भी हम हस्त मैथुन करते हैं तो हस्त मैथुन करने के बाद हम खुद से नफरत करने लग जाते हैं। हमें खुद के प्रति मन में ग्लानी होने लगती है, जो कि हस्त मैथुन से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिले। हस्त मैथुन करने के बाद ठीक इसका उल्टा होता है, तो फिर हस्त मैथुन करने का फायदा क्या है? अगर यह हमें खुशी ना दे तो इससे दूर रहना ही सही है। अगर हम अंदर से खुश रहेंगे तो हमारे अंदर हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, इससे हम कोई भी परेशानी या काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे अंदर की शक्ति ही हमें मजबूत बनाती है। जिस इंसान के अंदर जितनी अच्छी आदतें होगी वो इंसान उतना ही मजबूत होगा और जिसके अंदर जितनी बुरी आदतें होगी वो इंसान उतना ही कमज़ोर होगा। इसलिए हस्त मैथुन करने से अगर आपको गिलानी होती है, नफरत होती है, तो इसे छोड़ दीजिए। अगर आप खुद की नज़रों में ही गिर जाओगे तो पूरी दुनिया से आप कभी नज़र नहीं मिला सकते। हस्त मैथुन का तीसरा नुकसान है लिंग में सूजन का होना। कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत तेज़ी से हस्त मैथुन करने लगते हैं, जिसके कारण उनके वीर्य से पहले निकलने वाला तरल पानी उनके लिंग की मांसपेशियों में चला जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंसान के लिंग में सूजन आने लगती है और ये सूजन तब तक रहती है जब तक कि वो पानी वापस खून में ना मिल जाए। ऐसा बार बार होने पर ये एक गंभीर बीमारी बन जाता है और ये सूजन आसानी से नहीं जाती, इसलिए इससे दूर रहने के लिए हस्त मैथुन की लत से दूर ही रहें। अगर यह लत ही नहीं होगी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आपके पास नहीं रहेगी। हस्त मैथुन का चौथा नुकसान है लिंग की मांसपेशियों का टूट जाना। कई लोग हस्त मैथुन करते समय अपने लिंग को बहुत ही मजबूती से जगड़ लेते हैं और उसे दबाने या मोड़ने लगते हैं और वो ये सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका वीर्य बाहर नहीं निकलेगा। ये करना सही नहीं है। ऐसा करने से आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा करने से आपके लिंग की मांसपेशियाँ टूट सकती है, जो कि बहुत ही नाजुक होती है। कई बार ऐसा करने से पायरोनी नाम की एक बीमारी भी हो जाती है। इस बीमारी का असर ये होता है कि व्यक्ति का लिंग टेढ़ा हो जाता है और अगर एक बार ये बीमारी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हस्त मैथुन का पांचवा नुकसान है मानसिक तनाव का होना। आप मानो या मत मानो पर हस्त मैथुन आपके अंदर टेंशन तो पैदा करता ही है। अगर आप हस्त मैथुन करते हो तो आपने जरूर ये ध्यान दिया होगा कि हस्त मैथुन के बाद आप बहुत ही बुरा महसूस करते हो। हस्त मैथुन आपको काफ़ी मानसिक तनाव दे सकता है। ये तनाव ऐसा होता है जिसमें आप खुद को ही दोषी मानने लगते हो, अपने बारे में आप खुद ही बुरा सोचने लगते हो। लगातार अगर आप तनाव में रहोगे तो आप अवसाद का शिकार हो सकते हो, लो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। हस्त मैथुन करने से कई बार घबराहट भी पैदा होती है। अगर आपका माइंड टेंशन में रहेगा तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको टेंशन से दूर रहना है तो आपको हस्त मैथुन को अलविदा कहना ही पड़ेगा। हस्त मैथुन का छठा नुकसान है अवैध संबंधों का बन जाना। आज हमारे समाज में जिस तरह से यौन अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, इसमें हस्त मैथुन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे अपराध करने वाले लोग हस्त मैथुन के आदी होते हैं और यौन इच्छाएं अधिक बढ़ने पर वो अपराध करने लग जाते हैं। व्यक्ति हस्त मैथुन करते समय हमेशा ही कल्पनाओं में खोया रहता है। इससे उस व्यक्ति के सेक्स के प्रति चाह में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। अपनी सेक्स की भूख को शांत करने के लिए वो इल्लीगल कॉन्टैक्ट्स की ओर चला जाता है और इससे जाने अनजाने में वो ऐसी बहुत सारी भूल कर देता है जो उसे ज़िंदगी भर पछतावा देती रहती है। आपकी ज़िंदगी को हस्त मैथुन की लत बर्बाद कर सकती है। एक बार अगर आपने कोई यौन अपराध कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी ये ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि जो जड़ है उसे ही हटा दो, यानी जो हस्त मैथुन करने की लत है इसी को अपनी लाइफ से दूर कर दो।
हस्त मैथुन का सातवां नुकसान है स्पर्म की संख्या में कमी होना। हमारी वीर्य में लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं जो हमारे पिता बनने में सहायक होते हैं, परंतु जो लोग रोजाना हस्त मैथुन करते हैं उनके वीर्य में स्पर्म की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उसके बाद उसके वीर्य में स्पर्म की कमी के कारण वो पिता बनने से वंचित रह जाता है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। अगर आपके अंदर स्पर्म कम हो गए हैं तो आप तनाव में आ जाएंगे और ये तनाव आपकी सेहत को खराब कर देगा। इसलिए अपनी शादी के बाद अच्छे जीवन के लिए आप अभी से सोचें और हस्त मैथुन की लत से दूर रहें। हस्त मैथुन का आठवां नुकसान है अपने पार्टनर से झगड़ा होना। छोटी एज में बहुत अधिक हस्त मैथुन कर लेने से शादी के बाद इसका असर दिखने लगता है। जब ऐसे लोग संभोग करते हैं तो उस दौरान उनका रखलन बहुत तेजी से होने लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लगती है और रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता रहता है जिस कारण वे हस्त मैथुन की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार हस्त मैथुन करने से उनको हस्त मैथुन में ही सुख नजर आने लगता है जो कि उनके बुरे समय की शुरुआत होती है। शादी के बाद सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस करना चाहिए ना कि हस्त मैथुन पर। हस्त मैथुन का पांचवा नुकसान है पाचन तंत्र पर बुरा असर होना। अच्छी सेहत के लिए हमारे पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत जरूरी है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वो मशीन होती है जो भोजन में से निचोड़ निकालकर हमारे शरीर को देती है, जिससे हमारा शरीर बलवान और सेहतमंद रहता है। अगर पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हमारी सेहत कमजोर होने लगती है। हस्त मैथुन करने से हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। हस्त मैथुन हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है जिस कारण हमारा पाचन तंत्र बहुत ही सुस्त गति से अपना कार्य करता है और खाना सही ढंग से पचने में बहुत समय लगता है। हस्त मैथुन करते समय जो पहला गीला द्रव निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है, उसमें प्रोटीन बहुत होता है जो कि हमारी सेल की बढ़ोतरी के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना अहम है। अगर ये इस तरह से लगातार निकलता रहे तो ये आपको दुबला बना देता है। इसलिए अच्छे पाचन तंत्र बनाए रखने के लिए हस्त मैथुन से दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हस्त मैथुन का दसवां नुकसान है लिंग में उत्तेजना का बंद हो जाना। एक पुरुष के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि उसके लिंग में उत्तेजना आना ही बंद हो जाए। ये आपको मेंटली डिप्रेशन में डाल सकती है। अधिक मात्रा में हस्त मैथुन करने से कई बार लिंग के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें चोट पहुँच जाती है और इससे ये टिश्यूज़ नष्ट होने लगते हैं जिससे लिंग में उत्तेजना आना बंद हो जाती है। कई बार तो इससे व्यक्ति को उत्तेजना आना हमेशा के लिए भी बंद हो जाती है। अगर आपकी उत्तेजना खत्म हो गई है तो आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है तो आप दोनों के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा जो कि आपके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। इसलिए अब आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है और आपको क्या करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हस्त मैथुन से होने वाले बड़े बड़े 10 नुकसान कौन कौन से हैं। तो बस अगर आपको उन नुकसान से बचना है तो आपको हस्त मैथुन छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप हस्त मैथुन करेंगे नहीं तो ये नुकसान आपको होंगे भी नहीं। तो इन नुकसान से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आज ही आप हस्त मैथुन को छोड़ दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए अपने